हेलो कैप्रिकॉन्स, मकर राशि। सुजान लेते हैं ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। बट साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियोस पोस्ट करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा, बिकॉज वहाँ पर टू वर्कशॉप्स करंटली अवेलेबल हैं। पहली है मैरिज मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप, जहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगी बिना आपकी कुंडली दिखाए आप वो उपाय कर सकते हैं ताकि आपकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। सेकंड जो वर्कशॉप है दैट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस कैसे आप मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स अप्लाई करके अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। सारी की सारी डिटेल्स कंप्लीट वो एक कोर्स है, वर्कशॉप है, बहुत ही मिनिमल प्राइजेस में दोनों अवेलेबल है। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो इन दोनों टूल्स में या इनमें से किसी एक में, तो ज़रूर आप इन्हों वो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सो खैर, चलिए अब हम हमारी रीडिंग से शुरुआत कर लेते हैं। क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक फॉर कैप्रिकॉर्न्स। ओके कैप्रिकॉर्न, सबसे पहला जो कार्ड आया है दैट इज द फाइव ऑफ कप्स के कार्ड है, लेकिन ये रिवर्स्ड है। ठीक है, फाइव ऑफ कप्स का कार्ड जब रिवर्स्ड आता है इस प्रकार से, रियल कार्ड ये ऐसा है और ये रिवर्स पोजीशन में है, विच मीन्स कि रिसेंटली आप कुछ बातों को लेकर बहुत हर्ट थे, परेशान थे, बट अब धीरे धीरे उस हर्ट से, उस डिसअपॉइंटमेंट से आप उभर रहे हैं एंड इम्प्रूव हो रहे हैं। बट अब भी यू नो इट्स टेकिंग टाइम, बट सम हाउ आप अच्छा कर रहे हो। अब देखो मिड वीक के जो कार्ड आए हैं दैट इज द पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड शो करता है कि मिड वीक आप लोग के लिए पॉजिटिव रहेगा, अच्छा रहेगा। जो भी आपके नो छोटे छोटे डेली वीक के गोल्स है, डिज़ायर्स है, वो आप अच्छे से रहो करोगे, आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी, पढ़ाई है, काम है, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है अच्छे से करोगे। लेकिन अगेन मकर राशि एंड ऑफ द वीक में द कार्ड ऑफ ट्रांजिशन आया है, ये कार्ड अब क्या कहता है, ये कार्ड कहता है नो, और पहले कार्ड से भी मुझे जो लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ तो चेंज होता हुआ दिख रहा है। अब ये चीज़ आपको भी पता चल रही है कि आपकी लाइफ में ना चाहते हुए भी आप आपके जीवन में ना कोई एक न्यू चैप्टर शुरू होता हुआ दिख रहा है, किसी ना किसी वे में, मे बी आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में, कुछ ना कुछ समथिंग न्यू, एंड यू आर फीलिंग दैट कि नो कि कुछ एंड होकर कुछ न्यू शुरू होने वाला है। कई बार ये न्यू जो शुरू हो रहा होता है ना, आपके बिलीफ सिस्टम में भी हो रहा था। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हमें लग रहा होता है कि हम जो ये हमारी सोचने का तरीका है, ये जो हमारा नज़रिया है, या हम रिश्ते में जिस हिसाब से बिहेव करें ना, यही सही है। एंड आफ्टर सम टाइम कुछ एक्सपीरियंसेस के बाद में हमें रियलाइज होता है यार हम कितने बुद्धू थे, हमने किसी से ये एक्सपेक्ट क्यों किया, या हमने ये सोचा ही क्यों ये चीज़ होगी, मे बी हमारे ज़िंदगी जीने का ये ढंग गलत है, मे बी ये वाली बात सही है, यू नो ऑल दोज थिंग्स। कहीं ना कहीं आपके जीवन में, आपके हैबिट्स में आपको रियलाइज होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कोई अच्छी चीज़ सीखते हैं, हम कहते हैं यार हमने जीवन के इतने साल निकाल दिए और हमने ये सब कुछ प्रैक्टिस ही नहीं किया, हमने ये सब किया ही नहीं। तो जैसे आप कभी कभार नो अपनी तरफ से एक रूटीन बनाते हो कि हम इस हफ्ते जिम जाएंगे, हम इस हफ्ते वर्कआउट करेंगे, एंड जब आप करते हो आपको इतना अच्छा लगता है ना, आपको लगता है यार ये मैंने इतने टाइम से क्यों नहीं करता हूँ या क्यों नहीं कर पाता हूँ, यू नो। सो ऑल दोस ये छोटी छोटी चीज़ें भी होती है ना, जो एक रियलाइजिंग मोमेंट होता है आपके लिए उस समय में, एंड देन आप डिसाइड करते हो कि यस अब मुझे अपनी लाइफ बदलनी है, अब मुझे लाइफ में ये चीज़ एड ऑन करनी है अपने लिए। तो ये किसी भी प्रकार की सोच पैटर्न, एनर्जी शिफ्ट एंड चेंज इस हफ्ते आप लोगों के लिए होता हुआ दिख रहा है। इट डिपेंड्स फॉर ईच एंड एवरी पर्सन वो किस रूप में वो चेंज दिखाई देता है। ओके सो ये ऑल ओवर एनर्जीज एंड मैसेजेस आ रहे हैं। बाकी देखो हेल्थ का ध्यान देना है इस हफ्ते, अच्छी डाइट, अच्छी एक्सरसाइज, अच्छा योगा, वॉट एवर यू लाइक जरूर फॉलो कीजिएगा, उससे आपके लिए ब्लेसिंग्स एंड पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है इस हफ्ते में। सो आई होप इस रीडिंग से आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।